अस्सलाम वालेकुम, आप सबको मेरी आवाज आ रही है? कैसे हैं आप लोग सब? मुझे चैट बॉक्स में कंफर्म कर दें अगर आवाज आ रही है तो आप लोग का। अच्छा, लास्ट क्लास तक हमने जो है वो सेक्शन 21 पढ़ा था इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस का, वहां तक सबको समझ आ गया था। हमने अब तक जो है वो कवर कर लिए है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए थे, वालेकुम अस्सलाम, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए थे, इनकम फ्रॉम बिजनेस के डेफिनेशन हो गई। फिर उसके बाद हम आए थे सेक्शन 20 पे, के एडमिसिबल एक्सपेंसेस क्या है। तो एडमिसिबल एक्सपेंसेस हमने सेक्शन 20 में देखे थे, फिर सेक्शन 21 के बाद आए थे कि हम आप बताओ कि भाई इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस क्या है। तो हमने इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस भी देखे। अच्छा, अब आज हम देख रहे हैं स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू एडमिसिबल एक्सपेंसेस। अच्छा, अब इसको समझाने से पहले मैं आप लोग के साथ एक कॉन्सेप्ट शेयर करना चाहता हूं। अच्छा, अब सपोज करें मेरे पास एक नॉन करंट एसेट है, फिक्स एसेट है, कोई भी फिक्स एसेट है, एग्जाम्पल कल है वही कल है, ठीक है। अब व्हीकल जो है ना वो आपके लिए और मेरे लिए दोनों के लिए अलग अलग एस्टिमेट होगी कि मैं व्हीकल को बहुत ज्यादा यूज करता हूँ तो उसकी यूजफुल लाइफ होगी, हो सकता है कि 2 साल हो, और अगर हो सकता है कि वो वही व्हीकल जो है ना वो कायनात यूज करे और उसका बहुत ज्यादा यूज ना हो तो वो 4 साल भी यूज कर सकती है, तो उसके हिसाब से इसकी यूजफुल लाइफ 4 साल हो। कायनात बोले कि भाई मैं जो है वो 4 साल जो है ना उसको यूज करूंगी क्योंकि मेरी यूजेज इतनी नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं इसको बहुत ज्यादा यूज करता हूँ तो मैं जो है वो उसको 2 साल यूज करूंगा, मेरे हिसाब से इसकी यूजफुल लाइफ 2 साल होगी। तो अब जो है ना वो सपोज करें कि व्हीकल की कॉस्ट है 100 रुपए। अब हाजिक के लिए इसकी डेप्रिसिएशन क्या होगी? 100 डिवाइड बाई 2 साल, 1 साल की डेप्रिसिएशन आ गई 50। सेम उसी एसेट की कायनात के लिए डेप्रिसिएशन होगी। कायनात बोली कि भाई मेरे पास जो है वो 4 साल चलेगी है, मेरी यूजफुल लाइफ 4 साल होगी मेरी एस्टिमेशन के हिसाब से। एस्टिमेशन है ना, कोई मना तो नहीं करता ना, ये तो अकाउंटिंग भी सारे स्टैंडर्ड बोलते हैं कि भाई आपको जो बेस्ट एस्टिमेट लगता है वो आप यूजफुल लाइफ रखो, उस पर तो कोई भी पाबंदी नहीं है। तो भाई कायनात ने बोला कि भाई मेरे हिसाब से जो है वो 4 साल बन रही है, मैं 4 साल रखूंगी, तो कायनात के हिसाब से डेप्रिसिएशन बन रही है 25। अच्छा, अब हम टैक्स वाले के पास आए। टैक्स वाला बोलता है भाई ये तो मैं पागल हो जाऊंगा, मेरे पास जो है वो मिलियंस ऑफ यूजर्स है, तो मैं क्या हर किसी की जो है ना वो एस्टिमेशन देख। एक जो है ना स्पेसिफाइड टेबल दे दिया कि आप जो है ना वो हर साल इस रेट पे टैक्स करोगे, आपके अकाउंटिंग के लिए जो भी आपने एस्टिमेशन बनाया हो वो आपकी अपनी जगह। आप जब टैक्स के लिए कैलकुलेशन करोगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की, टैक्स एक्सपेंस को क्लेम करने के लिए, तो आप इस तरीके से क्लेम करोगे जो मैंने स्पेसिफाइड रेट दिया हुआ है। अब हम सेक्शन 23 को जाके देखते हैं। सेक्शन 23 है डेप्रिसिएशन का। ये स्पेशल प्रोविजन है सेक्शन 22 से लेकर, सॉरी सेक्शन 22 से लेकर 26 तक, ये स्पेशल प्रोविजन है 23, 24, 25, 26। अच्छा, सब्जेक्ट टू दिस सेक्शन अ पर्सन शेल बी अलाउड अ डिडक्शन फॉर द डेप्रिसिएशन ऑफ अ पर्सन डेप्रिसिएशन एसेट यूज इन द पर्सन बिजनेस इन द टैक्स ईयर। अच्छा, ये बोला कि आप जो डेप्रिसिएशन है वो अलाउबल है, अलाउबल जो है ना वो एक्सपेंस है, आप उसको जो है वो टैक्स ईयर में एज एन क्लेम एज एन एक्सपेंस क्लेम कर सकते हो। अच्छा, अब इसके बाद आ जाए सबसेक्शन 2। सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 1, सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 3 द डेप्रिसिएशन
deduction for a tax year shall be computed by applying a rate specified in part one of the third schedule. अब ये कह रहा है ना कि मैंने आपको बताया था कि हर किसी के लिए एक रेट दे दिया उसने 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 बोला कि भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं हर किसी की एस्टिमेशन देखता रहूँ, आप जब भी मेरे पास आओ मेरे हिसाब से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके आना. तो मैंने उसको बोला कि भाई आप बताओ कि मैं कहाँ पे देखूँ वो रेट. तो उसने वो बता दिया कि भाई पार्ट वन थर्ड शेड्यूल. अब ये वो वाला थर्ड शेड्यूल नहीं है सेल टैक्स वाला. सेल टैक्स वाला थर्ड शेड्यूल हमने देखो जो देखा था ऊपर जब हम सेक्शन 21 देख रहे थे, तो वो थर्ड शेड्यूल उसका था रिटेल प्राइस पे सेल टैक्स लगाना है, वो सेल टैक्स एक्ट का था. ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का थर्ड शेड्यूल है, तो ये इसको थोड़ा सा अलग अलग रखिएगा, ये कंफ्यूजन हो जाती है वरना. तो ये बता रहा है हमें पार्ट वन ऑफ द थर्ड शेड्यूल अगेंस्ट द डब्ल्यू डी वी. डब्ल्यू डी वी का क्या मतलब कि भाई मेरे पास दो वो है ना मैथड है डेप्रिसिएशन के, एक है स्ट्रेट लाइन एक है डिमिनिशिंग मेथड. स्ट्रेट लाइन में मैं क्या करता हूँ कि कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन का जो भी रेट होता है या जो भी यूजफुल लाइफ होती है मैं उसको लगाता हूँ, हर साल मेरा डेप्रिसिएशन सेम चल रहा होता है. डिमिनिशिंग मेथड में मैं क्या करता हूँ कि मैं कॉस्ट लेता हूँ फिर उसका डेप्रिसिएशन अगर पहला साल है तो कॉस्टली उस पर मैंने रेट लगाया डेप्रिसिएशन आ गया. अब मैं कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करता हूँ तो मेरे पास डब्ल्यू डी वी आती है. तब वो टैक्स वाला कह रहा है कि आप जब वो हर साल कॉस्ट पे नहीं लगाओगे, पहले साल आपने कॉस्ट पे लगाई डेप्रिसिएशन लगाया डब्ल्यू डी वी आ गई, अब जो दूसरे साल जो पहले साल का क्लोजिंग डब्ल्यू डी वी है वही अगले साल की ओपनिंग डब्ल्यू डी वी हो जाएगी. इसको हम यूं देखते हैं. के कॉस्ट ये है तो ये मेरे पास ईयर वन सही है, ये ईयर वन है तो ये ईयर वन की मेरे पास क्लोजिंग डब्ल्यू डी वी आ गई जो मेरे बुक्स में शो होती है. मैं अपने जब बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करता हूँ तो मैं इस तरीके से शो करता हूँ कि मेरी कॉस्ट ये थी उसमें से इतना डेप्रिसिएशन इस साल का माइनस हो गया, तो ये मेरी क्लोजिंग डब्ल्यू डी है. अच्छा अब क्या बोल रहे हैं टैक्स वाला कि आप जब ईयर टू पे आओ ना दूसरे साल पे तो आप 100 रुपए पे नहीं लगाना, आप लगाना 50 रुपए पे जो आपकी क्लोजिंग डब्ल्यू डी थी पहले साल की. अब इस पे अगर मैं सपोज करता हूँ कि भाई टैक्स वाला भी बोल रहा है इसकी यूजफुल लाइफ 2 साल है तो 25 तो ये डिमिनिश हो रहा है नीचे जा रहा है, डेप्रिसिएशन हर साल नीचे जाता रहेगा, वो इसीलिए डिमिनिशिंग मेथड कहते हैं, हर साल जो डेप्रिसिएशन है वो नीचे जाता रहेगा. अच्छा अब इसके आगे अब हम देखते हैं कि थर्ड शेड्यूल पार्ट वन में क्या लिखा हुआ. थर्ड शेड्यूल देखने के लिए हम पहले हमने लास्ट क्लास में फर्स्ट शेड्यूल में से कुछ रेट वगैरह देखे थे, अब आज जो है वो हम थर्ड शेड्यूल देख रहे हैं डेप्रिसिएशन रेट के लिए. ये फर्स्ट शेड्यूल आ गया, ये हमने जो है वो पेपर में तो रेट दिए हुए होते हैं, बस ये है कि सीख जाओगे आप लोग के किस तरीके से निकलते हैं रेट्स वगैरह इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से, तो इसके लिए मैं जो है वो ये एक्सरसाइज करवाता हूँ. देखें सेकंड शेड्यूल जो है वो एग्जेम्पशंस और टैक्स कंसेशंस का है, ये आ गया थर्ड शेड्यूल. थर्ड शेड्यूल के अंदर पार्ट वन 624 पेज नंबर. ये आ गया रेट, यहाँ पे रेट दिए हुए हैं.
अजान हो रही है, जरा रमजान के बाद फिर बात करते हैं। अच्छा अब हम आ जाते हैं वापस। तो डेप्रिसिएशन के ये रेट दिए हुए, ठीक है, ये बिल्डिंग आ गया, ये फैक्ट्री वर्कशॉप आ गई, बिल्डिंग पे जो है वो 5% का जनरल रेट लगता है, ये सारे रेट जो है वो परसेंटेजेस में है। फैक्ट्री पे जो है वो 10% का लगता है, अगर रेजिडेंशियल क्वार्टर है, मतलब फैक्ट्री के साथ कोई रेजिडेंशियल क्वार्टर बनाया हुआ है लेबर के लिए, तो उस पर जो है वो 10% से डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। फर्नीचर है इंक्लूडिंग फिटिंग्स तो वो 10% से होगी, मशीन एंड प्लांट है तो वो 10% से होगी, इसके बाद कंप्यूटर हार्डवेयर वगैरह आ गए तो वो 30% से होगी, टेक्निकल और प्रोफेशनल बुक्स आ गए थे, बुक्स भी जो है वो डेप्रिशिएट होती हैं तो वो भी 20% पे आ गई, शिप्स हो गई तो वो जो है वो न्यू है तो 5% पे आ गई, सेकेंड हैंड है तो अगर 10 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं है तो वो 10% से होगी, अगर 10 साल से ज़्यादा पुरानी है तो वो 20% पे होगी। मोटर व्हीकल्स जो है, अगर किसी कंपनी के पास मोटर व्हीकल्स हैं जो इन्होंने अपने एम्प्लॉयज के दी हुई हो तो 20% पे होंगी। एयरक्राफ्ट, एरो इंजन्स और एरियल फोटोग्राफिक जो वो 30% पे होंगी। ये कुछ भी हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, ये पेपर में हमें दिया हुआ होगा रेट, ठीक है। तो ये बस ये है कि पता होना चाहिए कि कहाँ से रेट निकलता है, अब हम इंशाल्लाह भूलेंगे नहीं। अच्छा, प्रोवाइडेड दैट वेयर अ डेप्रिशिएबल एसेट इज यूज इन द पर्सन बिजनेस फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ टैक्स ईयर कमेंसिंग ऑन और आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 2020 द डेप्रिसिएशन डिडक्शन शेल बी रिड्यूस बाय 50%। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर कोई भी एसेट आपका आपने लिया है 1 जुलाई 2020 या उसके बाद, तो आपकी जो पहली डेप्रिसिएशन डिडक्शन होगी ना वो 50% से कम हो जाएगी, स्ट्रेट 50% से कम हो जाएगी।
अब वो क्यों कम होती है, मतलब इसमें नुकसान है मेरा, इसमें नुकसान ये है कि मेरा जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अगर 100 रुपये का बनता था, वो अब मुझे 50 रुपये का मिलेगा। अगर मैंने डेप्रिसिएशन अपना एसेट जो है वो जुलाई 2020 या उसके बाद लिया है तो। ये मेरी सीधी की सीधा सीधा मेरा नुकसान है। अच्छा, अब ये नुकसान क्यों है? ये नुकसान इसलिए है कि मुझे इस पे इनिशियल अलाउंस मिलता है पहले साल पे, और ये सिर्फ पहले साल की डेप्रिसिएशन पे होगा। ठीक हो गया, ये सिर्फ और सिर्फ पहले साल की डेप्रिसिएशन पे होगा। अच्छा, कायनात कह रही है सर, कैन यू प्लीज मोर एक्सप्लेन दिस पॉइंट। इसको यूं समझते हैं, कायनात देखें, ये वही गलती 100 रुपए की, उस पे डेप्रिसिएशन कितना आया, ये मेरी कॉस्ट है, ये मेरा डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन कितना है, 50 रुपीज का। अब टैक्स वाला कह रहे हैं कि जो 50 रुपीज आया है ना, आप इसको 50% कर दें, 25। अब ये ऐसा क्यों बोल रहा है टैक्स वाला? अब ये टैक्स वाला ऐसा इसलिए बोल रहा है कि आपको फर्स्ट ईयर अलाउंस मिलता है, इनिशियल अलाउंस। अगर आप कोई पहला ऐसा एसेट है जो पाकिस्तान में पहली दफा यूज हो रहा है, अभी हम इंशाल्लाह नीचे पढ़ेंगे, तो उस पर 25% का इनिशियल अलाउंस मिलता है कॉस्ट पे। इनिशियल अलाउंस से क्या मतलब कि आपकी जो कॉस्ट है वो 100 रुपीज है, आपने इसके ऊपर इनिशियल अलाउंस 25% का क्लेम कर लिया। ₹75 का, ₹25 का बेसिकली। तो ये जब मैंने 25 रुपीज का इनिशियल अलाउंस मैंने इससे क्लेम किया टैक्स वाले भाई से, तो टैक्स वाला भाई बोल रहा है कि अभी अभी तुम जो है वो मुझसे इनिशियल अलाउंस भी ले रहे हो, डेप्रिसिएशन भी पूरा ले रहे हो, तो क्या तुमने मुझे पागल समझा हुआ है? तो मुझे बोलता है कि आप जो अपना डेप्रिसिएशन है पहले साल का, जब आप इनिशियल अलाउंस ले रहे हो, तो फिर आप डेप्रिसिएशन अपना पहले साल का आधा कर दो। मैं आपको डेप्रिसिएशन अलाउ तो कर रहा हूँ, पर कितना अलाउ करूंगा, 50% अलाउ करूंगा, 50% इनएडमिसिबल हो जाएगा। कायनात समझ आया आप? मैं अगर देखूं तो मेरा जो डेप्रिसिएशन है वो, अगर मैं देखूं कि इनिशियल अलाउंस प्लस डेप्रिसिएशन को मिलाऊं ना, तो बनता मेरा 50 रुपीज ही है, 50 रुपीज ही बन रहा है। 25 का इनिशियल अलाउंस, 25 का मेरा डेप्रिसिएशन। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है इसका। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है इसके नीचे? इसके नीचे कह रहा है कि वेयर आर डेप्रिसिएशन डेप्रिशिएबल एसेट इज यूज इन अ टैक्स ईयर पार्टली इन ड्राइविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस चार्जेबल टू टैक्स पार्टली एंड पार्टली फॉर अनदर यूज। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर एक बिल्डिंग है, फॉर सपोज करें बिल्डिंग है, टू टू फ्लोर्स की बिल्डिंग है, बिल्डिंग है टू फ्लोर्स की, अब उसके फर्स्ट फ्लोर पे मैं इनकम फ्रॉम बिजनेस कमा रहा हूँ, कोई भी काम कर रहा हूँ, मेरा कोई भी बिजनेस है, उधर से मैं इनकम फ्रॉम बिजनेस कमा रहा हूँ। सेकंड फ्लोर मैंने रेंट पे दे दिया, जब मैंने रेंट दिया तो यहाँ से मुझे रेंटल इनकम आ रही होगी, रेंटल इनकम मेरी चार्ज होती है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर।
सही है, मेरे पास दो फ्लोर्स की बिल्डिंग है। फर्स्ट फ्लोर पे मैं अपने कोई भी बिजनेस कर रहा हूँ, उससे मैं इनकम फ्रॉम बिजनेस कमा रहा हूँ, ठीक है। सेकंड फ्लोर मैंने रेंट पे दे दिया, वहां से मुझे रेंटल इनकम आ रही है, रेंटल इनकम चार्ज होती है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर। अच्छा, अब इस बिल्डिंग के अंदर पानी की जो मोटर लगी हुई होगी वो तो एक ही लगी हुई होगी ना पूरी बिल्डिंग के लिए, जो पूरी बिल्डिंग को पानी सप्लाई कर रही होगी, ठीक है। अब उस बिल्डिंग की जो पानी की मोटर की डेप्रिसिएशन होगी, अब फॉर एग्जांपल सपोज करें कि उसकी डेप्रिसिएशन आई 50 रुपीज, ठीक है, उसकी डेप्रिसिएशन आई 50 रुपीज की पानी की मोटर की, अब मैं टैक्स वाले के पास गया अपना इनकम फ्रॉम बिजनेस लेके, जो भी मैंने कमाया था। फॉर एग्जाम्पल मेरी जो नेट इनकम बन रही थी यहाँ से, या टैक्सेबल इनकम बन रही, नेट इनकम को कहते, वो बन रही थी मेरी 25 रुपए की। अब ये 25 रुपए के अंदर 50 रुपए का डेप्रिसिएशन भी माइनस हुआ हुआ है पूरा का पूरा, तो टैक्स वाला बोलता है कि भाई जो तुमने 50 रुपए का डेप्रिसिएशन यहाँ पे माइनस किया हुआ है इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर, ये 50 रुपए का डेप्रिसिएशन तो नहीं है, तुमने इनकम फ्रॉम बिजनेस के लिए कितना खर्चा किया है, कितना एक्सपेंस किया है ये बताओ सिर्फ, ये तो तुमने पूरी बिल्डिंग के लिए 50 रुपए का एक्सपेंस किया है ना डेप्रिसिएशन का, सिर्फ इनकम फ्रॉम बिजनेस के लिए कितना किया है। तो ये फिर ये प्रोपोर्शन करूंगा मैं 50 रुपीज को, टैक्स वाला बोलता है कि आप जो अपना पूरा एक्सपेंस है, अब ये जो है वो प्रोपोर्शन होना चाहिए बिटवीन इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर। तो आप टैक्स वाला मुझे बोलता है कि आप एक ही जगह चार्ज नहीं करो उसको, फेयर प्रोपोर्शन करो उसकी। फेयर प्रोपोर्शन क्या होती है, सपोज करें यहाँ पे मेरी इनकम बन रही है 30 नेट इनकम, टोटल इनकम मेरी कितनी आ गई 55 रुपए की, 50 रुपए का मेरा एक्सपेंस था, उसको मैं तोड़ूंगा अपनी टोटल इनकम पे, मल्टीप्लाई कर दूंगा इंडिविजुअल इनकम से, ये 50 रुपये आ गया। अच्छा, अब टैक्स वाला मुझे बोलता है कि आप जो है ना 23 रुपये जो है ना, या आपने जो 50 रुपये माइनस किए हुए हैं, सबसे पहले तो आप इसको 50 रुपये को ऐड बैक कराओ, और आपका जो एक्चुअल में जो इनकम फ्रॉम बिजनेस से एक्सपेंस है ना उतना माइनस करा दो, वो मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ, एडमिसिबल है, तो ये मेरा फिर नेट प्रॉफिट बचा। ये समझ आया सबको अली गौर, अब तो सही आ रही है ना आवाज सबको, सही आ, सबको आवाज सही नहीं आ रही थी अली गौर, मेरे ख्याल से आपके नेट का इश्यू है। आ रही है, तो ये समझ आया सबको कि प्रोपोर्शन कैसे करूंगा मैं। लेकिन कायनात में चला, आपको दोबारा समझा दूं, देखें कायनात मेरी नेट इनकम थी 25 इनकम फ्रॉम बिजनेस से, और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से थी 30 रुपीज, ठीक है। अब ये जो मैंने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है ना, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पूरा का पूरा इनकम फ्रॉम बिजनेस में से माइनस कर दिया था, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में मैं कुछ भी नहीं लेके गया था, तो टैक्स वाला मुझे बोलता है कि ये आप गलत कर रहे हो, आप ऐसा नहीं करो, आप उसको फेयर प्रोपोर्शन पे तोड़ो। फेयर प्रोपोर्शन पे कैसे तोड़ो, कि आप सबसे पहले तो ये देखो कि आपकी टोटल इनकम कितनी बन रही है। मेरी टोटल इनकम बन रही है 55 रुपए, अगर मैं इसको यूं देखू ना कि 55 के मैं जो है वो इसको 25 को 55 दू, और इसका परसेंटेज निकाल दो, तो इसका मतलब ये है ये 45 का,
अब ये 45% का मतलब ये है कि मैं जो है वो अपनी टोटल इनकम में से, जी खुदे माँ नमाज का ब्रेक देता हूँ। अच्छा, ये जो टोटल इनकम है उसमें से मैं 45% इनकम तो इनकम फ्रॉम बिजनेस से कमा रहा हूँ और 55% मैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से कमा रहा हूँ। तो अब वो टैक्स वाला बोलता है कि तुम इनकम फ्रॉम बिजनेस से कमा भी कम रहे हो और फिर उसमें जो है वो तुम पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन भी अपना क्लेम कर रहे हो, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी। ऐसा नहीं करो, 50 रुपये पूरा का पूरा इनकम फ्रॉम बिजनेस में नहीं डालो। तुम क्या करो, जो तुम्हारा परसेंटेज बन रहा है ना बिजनेसेस का, उसके बेसिस पे उसको एक्सपेंस को तोड़ दो। मैंने यही किया है, मैंने 50 रुपीज का एक्सपेंस लिया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया इनकम फ्रॉम बिजनेस की जितनी मेरी अर्निंग थी उसके रेट से। ठीक है, यही काम मैंने सेम इसके लिए भी कर दिया, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के लिए भी। तो सेम आंसर आया मेरा, कायनात आप समझ आ गया। अच्छा अली को सबको आवाज आ रही है शायद, मेरे ख्याल से आपके नेटवर्क का कोई इशू है क्योंकि बाकी सबको तो सही आ रही है आवाज। चलें नमाज का ब्रेक ले लेते हैं, फिर इंशाल्लाह ज्वाइन करते हैं नमाज के ब्रेक के बाद। बस 5:55 पे फिर मिलते हैं इंशाल्लाह।
आप सबको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, अब हम यहाँ पे जो है ना डेप्रिशिएबल एसेट की बात कर रहे हैं, तो अब हम जरा टैक्स की डेफिनेशन देखते हैं। डेप्रिशिएबल एसेट होता क्या है? एसेट मीन्स एनी टेंजिबल एसेट, एनी टेंजिबल प्रॉपर्टी। ठीक हो गया। ओन्ड बाय अ पर्सन। या आप लोग साथ साथ लिखते जाएं, फिर हम इसको देखते हैं।
अच्छा, डेप्रिशिएबल एसेट मींस एनी टेंजिबल प्रॉपर्टी। टेंजिबल प्रॉपर्टी से क्या मतलब? जो फिजिकल, जिसकी एग्जिस्टेंस हो, जिसको मैं छू सकूं। इनटेंजिबल क्या होते हैं? जिनको मैं छू नहीं सकता, जिनकी एग्जिस्टेंस नहीं होती कोई, जिनको मैं देख तो सकता हूँ पर छू नहीं सकता, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वगैरह हो गए। तो डेप्रिशिएबल एसेट जो है ना, वो टेंजिबल प्रॉपर्टी है जो ऑन करता हो पर्सन। पर्सन के अंदर वो फिर सब आ जाते हैं, इंडिविजुअल भी आ जाते हैं, एओपी भी आ जाते हैं, कंपनी भी आ जाती है, फिर फेडरल गवर्नमेंट भी आ जाती है, फिर सब डिविजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट भी आ जाती है। तो फिर इस तरीके से सब कुछ सारे आ जाते हैं पर्सन के अंदर। अच्छा, डेप्रिशिएबल एसेट मीन्स एनी टेंजिबल प्रॉपर्टी ओन्ड बाय अ पर्सन हैज अ नॉर्मल यूजफुल लाइफ एक्सीडिंग 1 ईयर। इसकी जो नॉर्मल यूजफुल लाइफ है वो 1 साल से ज्यादा होनी चाहिए। अच्छा, इज लाइकली टू लूज वैल्यू, जो हर साल जो है ना अपनी कुछ वैल्यू लूज करती हो। जाहिर सी बात है कि अगर कोई मैं एक मशीन चला रहा हूँ तो हर साल अपनी वैल्यू लूज करती रहेगी। जितनी वो पुरानी होती जाएगी उसकी फेयर वैल्यू कम होती जाएगी। मैं इसीलिए तो उसकी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करता हूँ ना, कि अगर मैं 2 साल के बाद कोई मशीन को यूज करने के 2 साल के बाद मैं अगर उसको सेल करने जाता हूँ मार्केट में, सपोज करें मैंने 100 रुपए की खरीदी है, उसको 2 साल यूज किया, तो अगर 2 साल के बाद मैं उसको बेचने जाऊंगा तो उसकी 100 रुपए तो वैल्यू नहीं आएगी ना, उसने कोई अपनी वैल्यू लूज की हुई होगी। तो इसीलिए तो फिर मैं अपने बुक्स में डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करता हूँ, ताकि मेरी जो बुक्स है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा रही हो। फिर इसके बाद इज यूज होली एंड पार्टली फॉर टैक्सेबल इनकम। जो है ना वो टैक्सेबल इनकम के लिए ड्राइव करने के लिए होली और ये पार्टली, जैसे हमने अभी लास्ट टाइम उसमें लास्ट एग्जांपल में देखा था कि वो मोटर व्हीकल जो है, वो अपना पानी की मोटर जो है, वो आधी इनकम फ्रॉम बिजनेस के लिए यूज हो रही थी, आधी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के लिए यूज हो रही है। अब सपोज करें कि अगर हम यही दो दो फ्लोर की बिल्डिंग की एग्जाम्पल लें, तो दो फ्लोर की बिल्डिंग के अंदर एक फ्लोर पे मैं अपना इनकम फ्रॉम बिजनेस चला रहा हूँ और सेकंड फ्लोर पे मैं खुद रहता हूँ। तो अब वो सेकंड फ्लोर पे जो मैं रह रहा हूँ, अब वो जो पानी की मोटर होगी 100 रुपए का अगर एक्सपेंस कर रही है, तो अब वो आधी तो मेरी पर्सनल यूज के लिए, आधी मेरी इनकम फ्रॉम बिजनेस यूज के लिए। तो वो ऐसा ऐसा ऐसे डेप्रिसिएशन भी जो है ना, वो फिर डेप्रिशिएबल एसेट के अंदर आ जाएगा। ऐसा एसेट भी वो फिर डेप्रिसिएशन डेप्रिशिएबल एसेट की डेफिनेशन के अंदर फॉल करेगा, क्योंकि वो आधा तो यूज हो रहा है ना टैक्सेबल इनकम के लिए, इनकम फ्रॉम बिजनेस के लिए। अच्छा, ओन का मतलब क्या है? ओन का मतलब क्या है? लीगल ओनरशिप होना। अब लीगल ओनरशिप के अंदर जो है ना, वो अब वो मेरे नाम पे हो, चाहे वो मेरे स्पाउस के नाम पे हो, स्पाउस मतलब मेरी बीवी के नाम पे हो, या मेरे माइनर चिल्ड्रन के नाम पे हो, या मेरे भाई के नाम पे हो, तो ये सारी मेरी लीगल ओनरशिप के अंदर आ जाती है। ठीक हो गया? अब दोबारा से हम ये आप लोगों ने कॉपी कर लिया। आप लोगों ने कॉपी कर लिया तो हम आगे बढ़े। अच्छा, हम सब सेक्शन 3 पे थे। वेयर आर डेप्रिशिएबल एसेट इज यूज इन अ टैक्स या पार्टली इन ड्राइविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस चार्जेबल टू टैक्स और पार्टली फॉर अनदर यूज। द डिडक्शन अलाउड अंडर दिस सेक्शन फॉर दैट ईयर शैल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द फेयर प्रोपोर्शनल पार्ट ऑफ द अमाउंट दैट वुड बी अलाउड इफ द एसेट वॉज यूज टू इनकम फ्रॉम बिजनेस चार्जेबल टू टैक्स। ठीक हो गया? हमने ये देख लिया पूरा। अच्छा, आप ये बता रहे हैं कि आप जो उसकी WDV है वो किस तरह निकालोगे? द रिटन डाउन वैल्यू
ऑफ अ डेप्रिशिएबल एसेट ऑफ अ पर्सन एट द बिगनिंग ऑफ द टैक्स ईयर शेल बी वेयर द एसेट वॉज एक्वायर्ड इन द टैक्स ईयर द कॉस्ट ऑफ द एसेट टू द पर्सन हैज रिड्यूस्ड बाय एनी इनिशियल अलाउंस इन रिस्पेक्ट ऑफ द एसेट अंडर सेक्शन 23। अभी हम आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे भी, पर मैंने अभी एग्जाम्पल में भी समझाया था कि अगर 100 रुपीज का एसेट है उस पर 25% का जो है वो इनिशियल अलाउंस मिला है, तो मेरी जो WDV आएगी वो फिर 75 रुपीज आएगी, फिर मैं उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। इन एनी अदर केस अगर जो है ना वो इनिशियल अलाउंस नहीं है, द कॉस्ट ऑफ द एसेट टू द पर्सन इज रिड्यूस्ड बाय द टोटल डेप्रिसिएशन डिडक्शन इंक्लूडिंग एनी इनिशियल अलाउंस अंडर सेक्शन 23 अलाउड टू द पर्सन। अच्छा, अगर जो है ना वो सब्सिक्वेंट ईयर्स है, सब्सिक्वेंट ईयर्स का क्या मतलब कि अगर आपने पुराने सालों में एसेट लिया हुआ है, तो आप जो उसकी टैक्स डेप्रिसिएशन बनती होगी, आप वो जितनी भी टैक्स डेप्रिसिएशन बनती है, सपोज करें कि अगर कोई एसेट है 100 रुपए का लिया है, उसको 2 साल यूज किया है, उस पर इनिशियल अलाउंस भी मिला है, ठीक है, तो अब वो उसकी पहले साल WDV क्या बनेगी, 100 रुपीज माइनस इनिशियल अलाउंस 25 रुपीज का, तो 75 रुपीज। अब 75 रुपीज पे अगर मैं जो है ना वो सपोज करें 4 साल की यूजफुल लाइफ है, तो 75 को अगर मैं डिवाइड बाय 4 साल करूं, तो 18.75 का 2 साल का डेप्रिसिएशन बन रहा है, 18.75 का 1 साल का डेप्रिसिएशन बना। इसको हम यूं समझते हैं थोड़ा सा, ईयर वन 100 रुपीज की कॉस्ट थी, इनिशियल अलाउंस कितने का मिलेगा, 25% का, तो मेरी जो WDV आ गई ईयर वन के लिए वो 75 रुपीज की है। अब मैं ईयर वन का डेप्रिसिएशन कैसे निकालूंगा, ये डेप्रिसिएशन आ गया, तो ये मेरी क्लोजिंग WDV आ गई। अब मैं जब ईयर टू पे आऊंगा, तो ये मेरी क्लोजिंग जो थी पिछले साल की, वही मेरी ओपनिंग बन जाएगी। इस साल कोई इनिशियल अलाउंस नहीं है, अब जो इस पर डेप्रिसिएशन लगेगा, अब इसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी रह गई, 4 साल में से 1 साल जो है ना वो यूज हो गया, तो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ रह गई 3 साल। तो टैक्स वाला ये कह रहा है, सर अलाउंस डेप्रिसिएशन का 50% होगा या फिक्स रेट होगा, कायनात में समझा नहीं आप क्या कह रही हैं। इनिशियल अलाउंस की बात कर रही हैं हम, इनिशियल अलाउंस हमारा 25% है, फिक्स्ड है, ये फिक्स रेट है। जब हम इंशाल्लाह डेप्रिसिएशन सेक्शन 22 के बाद फिर सेक्शन 23 पे आएंगे, तो फिर हम देखेंगे कि इनिशियल अलाउंस जो है ना वो जो कोई भी एसेट हो, अगर वो एलिजिबल एसेट है, तो उस पर 25% जो है ना वो इनिशियल अलाउंस मिलेगा। तो ये आप लोग को समझ आ गया कि अगले साल की WDV किससे बनेगी। अच्छा, अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रहा है,
एक्सप्लेनेशन क्या दे रहा है, फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट इट इज क्लेरिफाइड दैट वेयर एनी बिल्डिंग फर्नीचर प्लांट और मशीनरी इज यूज फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस ड्यूरिंग एनी टैक्स ईयर फॉर विच द इनकम फ्रॉम सच बिजनेस इज एग्जेम्प्ट डेप्रिसिएशन एडमिसिबल अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी ट्रीटेड टू हैव बीन अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेट टैक्स ईयर एंड आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ द एग्जेम्पशन पीरियड WDV ऑफ सच एसेट शैल बी डिटरमाइंड आफ्टर रिड्यूसिंग टोटल डेप्रिसिएशन डिडक्शन इंक्लूडिंग एनी इनिशियल अलाउंस 20 अंडर सेक्शन 23 इन अकॉर्डेंस विद क्लोज 1 क्लोज ए एंड बी ऑफ सबसेक्शन ऑफ दिस सबसेक्शन। अच्छा अब ये क्लेरिफिकेशन क्या दे रहा है, अभी क्लेरिफिकेशन ये दे रहा है कि अगर आपकी ईयर वन की इनकम, इस एग्जांपल को लेते हुए चलते हैं, अगर आपकी ईयर वन की इनकम एग्जेम्प्ट है तो वो टैक्स तो होगी नहीं, जब टैक्स नहीं होगी तो उस पर जो है ना वो एक्सपेंस भी क्लेम नहीं हो रहा होगा, तो आपकी जो आपने जो इनकम निकाली भी होगी तो इनकम होगी फिर माइनस एक्सपेंसेस होंगे तो वो पूरी की पूरी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। अच्छा ये बोल रहा है कि अब ये जो ईयर वन का एक्सपेंस है जो इस साल क्लेम नहीं हो पाया ना, क्लेम नहीं होने हो पाने का मतलब ये कि अगर मेरी कोई जितनी भी इनकम होती वो एग्जेम्प्ट ही होती तो ये एक्सपेंस मेरा क्लेम नहीं हो पाया, तो ये बोले कि ये जाया हो जाएगा, ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा ईयर टू के अंदर। अब अगर ईयर टू के अंदर ऐसा हो कि आपकी इनकम एग्जेम्प्ट नहीं रही, ईयर वन के अंदर आपकी इनकम एग्जेम्प्ट थी, ईयर टू के अंदर आपकी इनकम जो वो एग्जेम्प्ट नहीं है, तो आप जो ईयर टू में एक्सपेंस क्लेम करोगे वो इन दोनों को मिला के नहीं करोगे, आप सिर्फ ईयर टू का एक्सपेंस क्लेम करोगे, ईयर वन की इनकम आपका जो एक्सपेंस था वो जाया हो गया। अब ईयर टू में अगर आपकी इनकम टैक्सेबल बन गई है, एग्जेम्प्ट नहीं रही, तो फिर आप ईयर टू का सिर्फ एक्सपेंस लोगे, ईयर वन का और ईयर टू का मिला के नहीं लोगे ना। आप ये बोल सकते हो कि ईयर वन में मेरी इनकम एग्जेम्प्ट थी और जो है ना मुझे ये बेनिफिट नहीं मिल सका टैक्स का, तो आपको भाई आपकी इनकम एग्जाम दे दी थी हमने, यही बहुत बड़ा बेनिफिट है, इसके अलावा हम जो है वो टैक्स वाला कह रहा है कि अब हम इसके अलावा कोई बेनिफिट नहीं देंगे आपको, तो आपका जो ईयर टू का एक्सपेंस बनता है वही आप सिर्फ क्लेम करोगे, दोनों का मिला के क्लेम नहीं कर सकते। तो ये एक्सेप्शन भी समझ आ गई होगी हमें। अच्छा फिर सबसेक्शन 6, वेयर आर सबसेक्शन 3 अप्लाइज टू अ डेप्रिशिएबल एसेट फॉर अ टैक्स ईयर द WDV ऑफ द एसेट शैल बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस दैट द एसेट हैज बीन सोली यूज्ड टू ड्राइव इनकम फ्रॉम बिजनेस चार्जेबल टू टैक्स। सबसेक्शन 3 कौन सा, ये ऊपर वाला, ऊपर वाला सबसेक्शन 3 क्या बोल रहा है कि फिर वही कि अगर आपकी कोई ऐसा एसेट है जो आप पर्सनल यूज भी कर रहे हो और इनकम फ्रॉम बिजनेस के लिए भी यूज कर रहे हो तो फिर आपको उसकी जो डेप्रिसिएशन है उसको फेयर प्रोपोर्शनेट करना है। तो वेयर आर सबसेक्शन 3 अप्लाइज टू अ डेप्रिशिएबल एसेट फॉर टैक्स ईयर द WDV ऑफ द एसेट शैल बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस दैट द एसेट हैज बीन सोली यूज्ड टू ड्राइव इनकम फ्रॉम बिजनेस चार्जेबल टू टैक्स। तो अब वो जो इसकी WDV होगी, अब ये हमने जो एग्जांपल बनाई थी 50 रुपीज के एक्सपेंस वाली, सपोज करें कि इसकी कॉस्ट थी, ये कॉस्ट थी, ये डेप्रिसिएशन आ गया, ये WDV आ गई 150, 50 रुपीज। इनकम फ्रॉम बिजनेस में हमने कितना डाला था, 70 रुपये में इनकम फ्रॉम बिजनेस से कमा रहा हूँ, 30 रुपये में इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से कमा रहा हूँ, अब ये जो सबसेक्शन 6 है ना, सबसेक्शन 6 बोल रहा है कि जब आप इसकी WDV निकालोगे
तो आप उसमें से पूरा 50 रुपये माइनस करोगे। आप ये नहीं बोलोगे कि मैंने इनकम फ्रॉम बिजनेस में इतना माइनस किया। आप ये नहीं बोल सकते कि मेरी जो WDV है वो इतनी होगी। नहीं, आप जो आपका जो आप सपोज करोगे ये पूरा का पूरा 50 रुपये आपने इनकम फ्रॉम बिजनेस के लिए कमाया है, एक्सपेंस किया है। आप जो WDV निकालोगे आप ये सपोज करोगे कि जो डेप्रिसिएशन है वो पूरा का पूरा किसके लिए यूज हुआ है। अच्छा, मैं आप लोग को शो करा। मैं ये कह रहा था, सॉरी यार, मुझे पता नहीं था कि एक्सेल शीट शो नहीं हो रही। तो मैं ये कह रहा था कि आप ये नहीं बोलो कि 35 रुपये मैंने जो है वो इनकम फ्रॉम बिजनेस के लिए किया, तो मैं WDV में से इनकम फ्रॉम जो बिजनेस का जो डेप्रिसिएशन है वो माइनस करूँ। नहीं, आप ये सपोज करोगे कि पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन इनकम फ्रॉम बिजनेस का है 50 रुपये का, और आप पूरा का पूरा WDV निकालते हुए पूरा का पूरा माइनस करोगे। अब तो अब आपकी जो ईयर टू की डेप्रिसिएशन अपना WDV बनेगी वो 50 रुपीज बनेगी। यहां तक समझ आ गया आप सबको? सबसेक्शन 6 क्या बोल रहा है? चल, अब आगे जाते हैं। सबसेक्शन 7, द टोटल डिडक्शन अलाउड टू अ पर्सन ड्यूरिंग द ईयर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ओनरशिप ऑफ अ डेप्रिशिएबल एसेट अंडर दिस सेक्शन एंड सेक्शन 23 शेल नॉट एक्सीड द कॉस्ट ऑफ द एसेट। वो हम देखते हैं कि आगे वो सेक्शन 23 जो है ना वो क्या है, क्या कहता है। अच्छा, जो टोटल डिडक्शंस अलाउड होंगी वो उतनी होंगी एज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ द एसेट। जो डेप्रिसिएशन होगा वो जाहिर सी बात है कि आपका जो है ना वो फिर 0 हो जाएगा जब आपकी WDV 0 हो जाएगी। नेगेटिव डेप्रिसिएशन नहीं होगा कोई भी। सबसेक्शन 8, वेयर एनी टैक्स ईयर अ पर्सन डिस्पोजेज ऑफ अ डेप्रिशिएबल एसेट नो डेप्रिसिएशन डिडक्शन शैल बी अलाउड अंडर दिस सेक्शन फॉर दैट ईयर। इफ द कंसिडरेशन एक्सीड्स, अच्छा फिर अब ये बता रहा है कि जो है ना वो अगर एसेट डिस्पोज हो गया तो फिर क्या होगा। अगर एसेट डिस्पोज हो गया तो उस साल की जो कोई भी डेप्रिसिएशन जो है ना वो अलाउबल नहीं होगी। वेन इन एनी टैक्स ईयर अ पर्सन डिस्पोजेज ऑफ अ डेप्रिशिएबल एसेट नो डेप्रिसिएशन डिडक्शन शेल बी अलाउड अंडर दिस सेक्शन फॉर दैट ईयर एंड If the consideration exceed the WDV of the asset at the time of disposal, the excess shall be chargeable to tax in that year under the head income from business. अब इसका क्या मतलब है? अच्छा, अब ये देखें कि मेरा जो है वो कंपनी का ईयर एंड है। दिसंबर, ठीक है, मैंने एसेट परचेज किया। ऑन 1 जुलाई, ठीक हो गया, 4 रुपीज 100 मिलियन। एक्सेल शीट नजर आ रही है ना आप लोग को? नेक्स्ट,
अब इसकी कॉस्ट कितनी हो गई? 100 मिलियन। ये मैं ईयर वन पे चल रहा हूँ, इस पे इनिशियल अलाउंस मिला, तो मेरी जो डब्ल्यू टीवी आ गई इतनी आ गई। अब उस पे जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो पूरे साल का लगेगा। अब ये नहीं है कि अगर मैंने 1 जुलाई को खरीदा है तो मैं 6 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करूं, नहीं। टैक्स वाला बोलता है कि आपने जिस साल लिया तो आप वो पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो, चाहे आपने 1 जनवरी को लिया हो, चाहे वो आपने मिड ऑफ द ईयर लिया हो, चाहे वो आपने उसको आप नंबर ऑफ मंथ
हेलो, आवाज आ रही है आप सबको? सॉरी यार, मुझे पता बात नहीं आ रही। कहाँ तक मेरी आवाज रुकी है? मुझे थोड़ा सा गाइड करेंगे? एक्सेल शीट पे ही रुक गई थी क्या? अच्छा, तो मैं ये बता रहा हूँ कि मेरी टैक्स WDV ईयर 3 पे इतनी थी। इस साल का कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा, क्योंकि टैक्स वाला कहता है कि अगर आपने ईयर 3 पे आके अपना डिस्पोज कर दिया एसेट को, तो जो ईयर ऑफ डिस्पोजल होगा उस साल जो है वो कोई भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा, भले आपने जो है वो साल के आखिर में आके सेल किया। तो मैंने उसको बोला टैक्स वाले भाई को कि भाई मैंने तो नवंबर में आके सेल किया है, तो वो पिछले 10 महीने का जो डेप्रिसिएशन बनता है मेरा, वो तो मुझे अपना एज एन एक्सपेंस क्लेम करने दो। तो वो फिर मुझे उसने कान पकड़ के बोला टैक्स वाले ने कि बेटा जब तूने एसेट को परचेज किया था, तो परचेज भी तो जुलाई में किया था, और मैंने तुझे एक्सपेंस क्लेम करने दिया था जनवरी से, 12 महीने का एक्सपेंस क्लेम करने दिया था। तो अब जब डिस्पोज कर रहे हो, तो जब डिस्पोज कर रहे हो तो तब भी फुल ईयर पॉलिसी पे चलो। फुल ईयर पॉलिसी पे होता ये है कि जिस साल आप खरीदते हो उस साल आप पूरे साल का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हो, जिस साल सेल करते हो उस साल 1 महीने का भी डेप्रिसिएशन नहीं आता। फुल ईयर पॉलिसी में ये होता है। तो अब मेरी जो ईयर 3 पे है टैक्स WDV 60.75 बन रही है, सेलिंग प्राइस है मेरी इसकी 110 मिलियन। तो मेरे पास गेन आ रहा है इस पे, क्योंकि मुझे मिले 110 मिलियन, और मेरे बुक्स में इसकी वैल्यू होती है 70 रुपये, 60 रुपए की। तो मेरे पास 49 मिलियन का गेन आ रहा है। अब सेक्शन 22 मुझे बता रहा है कि ये जो गेन है आप इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर चार्ज करोगे, इनकम फ्रॉम कैपिटल के गेन के अंदर चार्ज नहीं करोगे। तो मैंने उसको पूछा क्यों, तो उसने बोला कि भाई आपने इस एसेट से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस मुझसे क्लेम करवाए थे, और पिछले सालों में आप इसका बेनिफिट लेते रहे हो, तो वो भी तो इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर बेनिफिट लेते रहे हो। अब जब इसका गेन आ रहा है तो वो भी इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर चार्ज करो। समझ आ रहा है? तो टैक्स वाला मुझे बोलता है कि इसका गेन है या लॉस है, आप इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर डालोगे, ये है कैपिटल गेन, मैं मानता हूँ, पर भाई मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप इसको इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर डालोगे, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में नहीं डालोगे। तो हमने यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट निकाल लिया कि अगर कोई भी बिजनेस एसेट है और वो डिस्पोज होता है, तो वो इनकम, अगर उस पर गेन आता है, डिस्पोजल गेन आता है, तो वो मैं इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर लेके जाऊंगा, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में नहीं लेके जाऊंगा। ये एक और बात समझ आ रही है यहाँ पे? इसको लिख लें अपने पास, लिख लें, नोटिंग क्या करें। ये सेक्शन 22 भी जाके देख लेते हैं दोबारा था। ये हमें बोल रहा है सेक्शन 22 सब सेक्शन 8 हमें बता रहा है, इफ द कंसीडरेशन रिसीव एक्सेस द WDV ऑफ द एसेट एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल, द एक्सेस शेल बी चार्जेबल टू टैक्स इन दैट ईयर, जिस साल डिस्पोज हुआ है, अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस। ठीक हो गया? अच्छा, अब इसका केस बी, इफ द कंसिडरेशन रिसीव्ड इज लेस देन द WDV। अब इसको भी हम जाके जरा देख लेते हैं। सपोज करें कि मेरी जो प्रोसीड्स हैं वो 50 मिलियन की होती, 50 मिलियन की होती, तो मुझे यहाँ पे लॉस ऑन डिस्पोजल आ रहा है। अब ये जो लॉस ऑन डिस्पोजल है, ये भी आप इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर भाई क्लेम कर सकते हो, आप इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में नहीं जाओगे, इसके लिए भी इनकम फ्रॉम बिजनेस से ही क्लेम करोगे ये लॉस को भी। ये बता रहा है मैं, द डिफरेंस शेल बी अलाउड इफ द कंसिडरेशन रिसीव्ड इज लेस देन द WDV, अगर प्रोसीड जो है वो कम है WDV से, द डिफरेंस शेल बी अलाउड एज डिडक्शन इन कंप्यूटिंग द पर्सन इनकम चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस। ठीक हो गया?
अच्छा, अब इसका एक प्रोवाइजो है, प्रोवाइजो भी देख लेते हैं। प्रोवाइडेड दैट वेयर अ डेप्रिशिएबल एसेट इज यूज्ड इन द पर्सन्स बिजनेस फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ टैक्स ईयर कमेंसिंग ऑन और आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 2020, डेप्रिसिएशन डिडक्शन इक्वल टू 50% ऑफ द रेट स्पेसिफाइड इन पार्ट वन ऑफ फर्स्ट थर्ड शेड्यूल शेड बी अलाउड इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। ये क्या बोल रहा है, प्रोवाइडेड दैट वेयर आर डेप्रिशिएबल एसेट इज यूज इन द पर्सन बिजनेस फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ टैक्स ईयर कमेंसिंग ऑन और आफ्टर, अगर आपने कोई ऐसा डेप्रिसिएशन लिया है जो आपके बिजनेस में फर्स्ट टाइम यूज हो रहा है इन अ टैक्स ईयर 20 जुलाई या 20 जुलाई के बाद, डेप्रिसिएशन डिडक्शन इक्वल टू 50% ऑफ द रेट स्पेसिफाइड इन द पार्ट वन शेल बी अलाउड इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। अच्छा, अब इसके ऊपर एक प्रोवाइजो आ गया। प्रोवाइजो क्या आ गया कि अगर आपने कोई एसेट लिया है, कब लिया है, 1 जुलाई या उसके बाद, 1 जुलाई या इसके बाद, और वो आपके बिजनेस में फर्स्ट टाइम यूज हो रहा है, वो बिल्कुल नया एसेट है, न्यू एसेट है, यूज एसेट की बात नहीं हो रही यहाँ पे, न्यू एसेट की बात हो रही है कि अगर कोई न्यू एसेट है और वो आपके बिजनेस में फर्स्ट टाइम यूज हो रहा है और वो आपने लिया है 1 जुलाई 2020 या उसके बाद, तो हम क्या करते थे पहले कि एट द ईयर ऑफ डिस्पोजल कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते थे। पर अगर कोई इस तरीके का एसेट है तो उसमें जो 50% डेप्रिसिएशन जो चार्ज है, हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे। ये बोल रहा है कि अगर सपोज करें ये एसेट है, हम इसका डेप्रिसिएशन निकालेंगे, कितना रेट है मेरा 50% का, 10% का रेट है, और फिर टैक्स वाला बोल रहा है आप इसको 50% कर देना। इससे पहले तक हम क्या करते थे कि हम कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते थे ऑन द ईयर ऑफ डिस्पोजल, पर टैक्स वाला बोल रहा है कि अगर कोई ऐसा एसेट है जो आपने 1 जुलाई या उसके 1 जुलाई 2020 या उसके बाद फर्स्ट टाइम यूज किया है, कोई न्यू एसेट है, तब उस पर ईयर ऑफ डिस्पोजल पे भी डेप्रिसिएशन चार्ज करना। कितना करना, आप पहले टोटल डेप्रिसिएशन निकालना, उसका 50% डेप्रिसिएशन ईयर ऑफ डिस्पोजल पे चार्ज कर देना। तो ये मुझे टैक्स वाला बेनिफिट दे रहा है कि ईयर ऑफ डिस्पोजल पे भी एक्स्ट्रा बेनिफिट, वो बोला ईयर ऑफ डिस्पोजल पे भी डेप्रिसिएशन ले लो मुझसे। वरना वो मुझे पहले नहीं देता था वो डेप्रिसिएशन, अब उसने 50% दिया मुझे, पर वो फिर कंडीशन है कि नया एसेट होना चाहिए और वो 1 जुलाई 2020 के बाद खरीदा हुआ हो। तो ये दो कंडीशन को याद रखना, कौन सा कि एक नया एसेट होना चाहिए, बिल्कुल न्यू एसेट जो फर्स्ट टाइम यूज हुआ हो आपके बिजनेस में, और वो 1 जुलाई 2020 या उसके बाद लिया गया हो। अच्छा, फिर सबसेक्शन 9, वेयर सबसेक्शन 3 अप्लाइज द डब्ल्यूडीबी ऑफ द एसेट फॉर द पर्पस, सबसेक्शन 8 shall be increased by the amount that is not allowed as a reduction as a deduction as a result of application of subsection 3. अच्छा, अब हमने subsection 3 में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि अगर कोई आपका partly asset use हो रहा है कि अपना business के अंदर और आप partly उसको जो वो personal use के लिए या other income के लिए use कर रहे हो, तो आप income from business के अंदर सिर्फ उतना portion charge करोगे जितना आप को लगता है कि आपने उसको यूज किया है, उस एसेट को यूज किया है इनकम फ्रॉम बिजनेस के लिए, ठीक है। अच्छा, अब WDV उसकी कैसे निकलेगी, WDV तो टोटल डेप्रिसिएशन माइनस करके ही निकलेगी। अब टोटल डेप्रिसिएशन के दो हिस्से, एक अलाउएबल है जो आपने इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर एज एन एक्सपेंस क्लेम कर लिया, एडमिसिबल एक्सपेंस है, और एक टोटल डेप्रिसिएशन का वो हिस्सा है जो आपने अदर इनकम के लिए या पर्सनल यूज के लिए यूज किया है, वो आपका इनएडमिसिबल एक्सपेंस बन गया था। तो आप जो इन दोनों को मिला के टोटल डेप्रिसिएशन बनता है, आप कॉस्ट में से टोटल डेप्रिसिएशन माइनस करोगे और जो WDV बचेगी आप वो WDV यूज करोगे
टैक्स गेन या लॉस निकालने के लिए। सही है, जहां तक समझ आ गया। अच्छा, आज हम जो है वो अपनी क्लास को यहीं तक रखते हैं। मुझे भी पता है कि बहुत हैवी हो रही है चीज़ें, तो आप उसको नोट डाउन करें और रिवाइज कर लेना। और दूसरा ये कि आप जो है ना वो हमारी नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह 10 जून को होगी, आफ्टर माय पेपर्स। मेरे लिए दुआ करिए करिएगा कि मेरे पेपर्स अच्छे हो जाएँ। तो अब जो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास होगी वो फ्राइडे को आ रहा है, 10 जून। हाँ, 10 जून। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी 10 जून को। तो अगर कोई इस क्लास से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ लें। इंशाल्लाह जब वो अब जब आएंगे हम, तो डेप्रिसिएशन को हम किल करेंगे। किल करने का मतलब ये कि डेप्रिसिएशन सेक्शन 22 को क्लोज करेंगे, फिर उसके बाद कुछ इसके क्वेश्चंस करेंगे और फिर हम इनिशियल अलाउंस पाएंगे सेक्शन 23 पे। सर 9 पॉइंट रिपीट कर दें। अच्छा, कायनात देखे, वो ये बोल रहा है कि अगर आपका ये जो डेप्रिसिएशन आ रहा है ना, ये डेप्रिसिएशन 7.5, अगर आपका ये एसेट जो है वो पार्टली यूज होता है। पार्टली यूज का क्या मतलब? पार्टली यूज का क्या मतलब? पार्टली यूज का ये मतलब कि आप पार्टली यूज कर रहे हो फॉर बिजनेस एंड पर्सनल यूज। अब इसको यही कर लें कि 2 फ्लोर की बिल्डिंग है, तो आपने अब एक फ्लोर जो है वो किसके लिए रखा हुआ है? अब पर्सनल यूज का क्या मतलब? पर्सनल यूज से मतलब ये कि अब अगर मैं दोनों फ्लोर जो है वो बिजनेस के लिए, इनकम के लिए यूज कर रहा होता, कि अगर मैं एक फर्स्ट फ्लोर से जो वो इनकम फ्रॉम बिजनेस कमा रहा हूँ, सेकंड फ्लोर से मैं इनकम फ्रॉम रेंटल इनकम कमा रहा हूँ, तो मैं टोटल इनकम तो अपनी निकाल सकता था। अब अगर मैं सेकंड फ्लोर अपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहा हूँ, तब मैं इसका इनकम, टोटल इनकम किससे निकालूं? मतलब मैं इसको किस बेसिस पे तोड़ूं? तो फिर मैं उसको फ्लोर बेसिस पे तोड़ देता हूँ कि अगर मैं जो है वो, मेरे बिल्डिंग के 2 फ्लोर है, तो मैं एक जो है वो बिजनेस इनकम फ्रॉम बिजनेस के लिए यूज कर रहा हूँ और एक जो है वो पर्सनल यूज के लिए कर रहा हूँ। तो मैं इसको फिर दोनों को प्रोपोर्शनेट तोड़ दूंगा। सपोज करें अब तीन फ्लोर की बिल्डिंग है, अगर 3 फ्लोर की बिल्डिंग में मैं एक फ्लोर जो है वो इनकम फ्रॉम बिजनेस के लिए यूज कर रहा हूँ और 2 फ्लोर जो है वो मैं पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहा हूँ, तो मैं 1/3 कर दूंगा। और फिर जब मैं पर्सनल यूज का पोर्शन निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा? 2/3। अच्छा, टैक्स। अब ये जो सबसेक्शन 9 है ना कायनात, ये क्या बोल रहा है पता है? सबसेक्शन 9 ये बोल रहा है कि आप ये नहीं करोगे कि जो कॉस्ट है WDV, आप इसमें से इतना माइनस कर दो, इतना माइनस कर दो। आप बोलो कि आपकी WDV ये बच रही है। नहीं, आप ये नहीं करोगे, आप ये करोगे कि आपका जो टोटल डेप्रिसिएशन बन रहा है उसमें से आपका जो WDV है उसका टोटल डेप्रिसिएशन इतना बनता है। तो ये मेरी एक्चुअल ट्रू एंड फेयर व्यू जो दिखाती है ना WDV, ये है। आप ये नहीं करोगे आपका जो पोर्शन, आपको जो सिर्फ क्लेम हुआ इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर जो एडमिसिबल हो गया, आप सिर्फ वो वाला एक्सपेंस लोगे। नहीं, आप अलाउबल एक्सपेंस भी लोगे और इनएडमिसिबल एक्सपेंस भी लोगे, जो आपने, जो टैक्स वाले ने आपको अलाउ नहीं किया WDV निकालने के लिए। सबसेक्शन 9 ये बोल रहा है। समझ आ गया कहीं ना? तब
चलें, और किसी का कोई सवाल? ठीक चलें फिर, आज की क्लास हम यहीं तक रोकते हैं, फिर इंशाल्लाह जो है वो अब 10 जून को मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।